भाई इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और हम साढ़े लोग तीन बजे अबे भाई 4 बज रहे हैं और हम लोग इस वक्त निकले हैं बुरसा उलूदा जाने के लिए। इन जनाब साहब की वजह से पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं। मैं 2 दिन से ऑलरेडी सोया नहीं हूँ और आज मेरा ये मैं भी तीसरा काफी दिन का बीमार हो रहा हूँ। और ये मेरा तीसरा दिन हो जाना है आज। तो भाई उफ, ये है श्री नेवलर, वही मेरे घर का एरिया। यहाँ से हम जाएंगे, मेट्रो बस लेंगे, इंजिली के स्टॉप पे उतरेंगे, वहाँ हमें बस पे बैठेंगे, बस में बैठ के थोड़ा सा आगे जाएंगे, मस्जिद है कोई से, इन भाई की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं उनको पिक करेंगे। मैं तो जाऊँगा सो 2 घंटे 3 घंटे जितने, वो ये भाई उनसे बचूदियाँ करेंगे और मैं सो मैं तो सो के गैंग गैंग पहुँचूँगा। होंगे उनके साथ। पता नहीं क्या क्या होना है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इज्जत तो आबरू से और ठीक ठाक हमें वापस पहुंचा दे। तो मिलते हैं आगे इस सीन। कुछ ऐसा है कि एज यूजुअल कुछ ना कुछ भंड होता ही है हमारे साथ। तो जैसे हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे हैं तो वो मेरा वॉलेट घर रह गया था, तो भाग के भी गए और घर से वापस आए। और ये था कि मैंने शूज़ भी चेंज कर लिए। तो अभी हम आए मेट्रो मेट्रो स्टेशन आए। अब यहाँ से हम जाएंगे मेट्रो लेके इन जिल्ली। ओह माय गॉड, लेट्स सी आज क्या होता है। सो फाइनली जब से ट्रिप स्टार्ट हुआ है तो भाई बंड पे बंड हुए जा रहे हैं। पहले मैं चाबी बोला, फिर मैं वॉलेट बोला, और उसके बाद कि इन भाई साहब की जो 3 फ्रेंड है वो तीनों नहीं आई थी। सो अभी हम यहाँ पे उतरे हैं फ्यूलिंग के लिए और हम कुछ खाने पीने के लिए लेने जा रहे हैं। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से उन्होंने टैक्सी से, और अब हम अपने सफ़र की तरफ चल पड़े हैं कुछ लेने के लिए। रुके, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे बस शुरू की और हम कुछ खाने पीने के लिए लिया है सुबह के इस वक्त। क्या टाइम हो रहा है, 5:30 हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये बोंगा, इसने डोरिटोस लिए हैं, मेरे लिए एक लिए, और जिसके साथ जो 3 लड़कियाँ उनके लिए इसने 3 लिए। मतलब मतलब क्या, अभी भाई यहाँ से एक ये लेंगे, टेडी बेयर लेंगे, एक भी 3 लेंगे। अलग ही सीन चल रहे हैं भाई, अलग ही शशके चल रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली हम काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए, सफर चल रहा है, गुजर रही है, कट रही है, काट रहे हैं। अभी और भाई जान क्या मिला है, क्या मिला नाश्ते नाश्ते में में आपको? प्रोटीन मैंडेटरी नाश्ता, वो क्या मिला है हम आपको दिखा। ये मैंडेटरी नाश्ता है और ये हमें मिला है, दोनों को मिली है। हमजा को बहुत जल्दी है खाने की। अभी तकरीबन सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम क्या नाम है रुके हैं थोड़े से ब्रेक के लिए। ये देख सकते हैं मेरे पीछे बस है और ये यहाँ पे स्नैक्स वगैरह के लिए और जो लोग स्मोक करते हैं उनके स्मोक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुका रुका है इसे। तो आधा तो नहीं, तकरीबन थोड़ा हमने सफ़र कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये जो नज़ारा है ना, जो पहाड़ का खूबसूरत नज़ारे हैं, ओह माय गॉड, इतना हसीन वेदर हो रहा है इस वक्त। बे इंतहा शदीद ठंड हो रही है, मेरी जैकेट अंदर रखी हुई है, बस तो फुल गर्म थी, मैं सो रहा था, अभी रुकी है तो एकदम उन्होंने उठाया, अगर कुछ लेना है तो ले लो। तो मैं बाहर निकला हूँ और मैं ये पहाड़ देख के बस रह नहीं सका, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे वीडियो बना लेते हैं, आप ही पहाड़ देख सकते। तो मैं चलता हूँ बस की तरफ अगेन और जाके फिर सोता हूँ, क्योंकि 2 घंटे अभी तकरीबन लगने हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी अभी पहुंचा है 3-4 घंटे के सफर के बाद। मैं तो सो गया था, अभी मेरी आंख खुली है तो यहाँ पहुंचे, आपको मैं व्यू दिखा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, आई एम फीलिंग लाइक चारों तरफ कोरा ही कोरा, एंड इट्स रियली अमेजिंग व्यू। हर तरफ स्नो ही स्नो है, पहाड़, दरख्त, और मैं क्या बताऊँ आपको। अभी हम चेयर लिफ्ट के थ्रू जाएंगे ऊपर और फिर वहाँ से, ये बंदा मुझे गालियाँ दे रहा है क्योंकि इसको बैग उठाना पड़ रहा है,
अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर चेयर लिफ्ट के थ्रू हम जाएंगे और वहाँ से हमने पहाड़ के ऊपर जाना है, फिर आइस स्की करनी है और बहुत सारा इंजॉयमेंट करना है। हाँ भाई, बैग उठा के कैसा लग रहा है? लड़कियों के तुम बैग उठा सकते हो, तुम लड़कियों के बैग उठा सकते हो, हमारे बैग नहीं उठा सकते। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है यहाँ पे और अभी हम आइस स्की के लिए आए हैं। अभी हम यहाँ से चेयर लिफ्ट से ऊपर जाएंगे और बहुत स्लिपी हो रहा है क्योंकि ये जो स्नो यहाँ पे जमी हुई है, ये यहाँ पे ठोस हो चुकी है और इस वक्त ऐसे लग रहा है कि मैं जाऊँगा स्लाइड करते हुए नीचे। अभी हम यहाँ पे अपने शूज़ और क्लॉथ्स वगैरह लेके जाएंगे और उसके बाद ये जनाब साहब पता नहीं उन तीन लड़कियों के पीछे ऐसे लगे हुए हैं कि इनको ज़िंदगी में और कुछ दिख ही नहीं रहा। भाई आपके साथ एक लड़का भी है, एक लौंडा है, उसके साथ घूमो एंजॉय करो, लेकिन नहीं, क्या करें, हमारे पास वो नहीं है ना जो उनके पास है। बाय द वे आप व्यू चेक करें, इतना खूबसूरत और इतना हसीन मंजर है, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्या नाम है यहाँ पे एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लूँ और इन फ्यूचर क्या पता कर भी लेना है मैंने, क्योंकि बहुत हसीन जगह है यार ये। अभी हम ऊपर गए थे तो वहाँ पे हमें स्की सेट और शूज़ और क्लॉथ्स वगैरह में इतना रश था, मिले नहीं, तो अब हम थोड़ा सा वॉक करके अपने का थोड़े व्यू वगैरह देखना और मैं और ये निकले हैं। इस बेचारे की तीनों दोस्तें गायब हो गई हैं, अब इसको ये टेंशन है कोई किडनैप करके ना ले गया उन्हें। नहीं तो किडनैप होने हैं, हमारे से ज़्यादा तेज़ है, उन्हें लैंग्वेज बैरियर ये बात भी, उनको डर की शादी है भाई। व्यू आप चेक करें, इतना खूबसूरत है यार, सामने पहाड़ वाली दिख रहा है, पहाड़ वाली तो इतनी हसीन और इतनी साफ सुथरी हो रही है। और जूम करें, ये देख रहे इतने खूबसूरत व्यूज, ओह माय गॉड, इतने खूबसूरत व्यूज हो रहे हैं कि आप व्यू देखें। फाइनली तीन चार लेयर पहनने के बाद और ये शूज और ये स्टिक्स वगैरह लेने के बाद अभी हम इसकी सेट का वेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हम लाइन में लगे हुए हैं, ये गुनेल जा रही है, दो अंदर हैं, उनका वेट हो रहा है। ये बाइक्स हैं शशकों के लिए, हमने पिक्चर्स ले लिए हैं उन पर बैठ के और अब यहाँ से हम अपना स्की सेट लेके फिर आगे जाएंगे। ये लोग पहन रहे हैं, हमें ये लेना है अभी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वक्त बहुत ठंड है, मैंने तो ग्लव्स वगैरह और मास्क और ये सारी चीज़ें ले ली हैं। भाई बहुत मुश्किल है हाइकिंग और स्कीइंग करना, मेरी तो हालत बुरी हुई हुई है। ये आप देख सकते हैं मेरा स्की सेट है और मुझसे और चला नहीं जा रहा और अभी हमें सामने जाना है और सामने जाने के बाद वो जो लिफ्ट लगी है उसको, उसकी हेल्प से मैं ऊपर जाना है। ऊपर जाके फिर हम वहाँ से स्लाइडिंग करते हुए आएंगे। ये आ रही हैं मरियम, फकनीमा, गुनेल और दादागा। ओह बहुत 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 खूबसूरत और अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत ही मज़ा आ रहा है। यह है कि अब जब स्कीइंग करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और फिर मिलते हैं ज़रा थोड़ी देर के बाद। सो बहुत सारी फ़ोटोग्राफी करने के बाद अब हमने ये डिसाइड किया कि हम वहाँ चलेंगे, हिम्मत हो नहीं रही, फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर, तो हड्डियाँ पसलियाँ तोड़वाने से बेहतर है पहले लोगों को देख लें। ये देख लें आप, ये लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है, इसको आप कैरी करके जाएंगे आगे और ऊपर, फिर वहाँ से स्कीइंग करके यहाँ नीचे आएंगे। ये हमारे साथ तीन गर्ल्स हैं और ये है फकीमा, भाई का तो आप जानते ही है ना। सो वी आर गोइंग, कोशिश करते हैं कि ये मेरी किट है और मुझसे उठाई नहीं जा रही, मैं यहाँ पे इतना बुरा गिरा हूँ अभी। सो ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरह हम पहुँच जाएँ उधर और हिम्मत करके ऊपर चले जाएँ, लेट्स सी क्या होता है। अभी हम आए हैं लिफ्ट की तरफ और अभी आगे जाने की ट्राई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी, इस बूथ से हमें अंदर जाना है और वहाँ से हमें वो लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाना है। सो फिर वो उस पहाड़ के ऊपर से हमें स्कीइंग करके नीचे आना है।
बस अल्लाह ताला हमारी हड्डियाँ वसियाँ सलामत रखे, बाकी खैर है। थोड़ा सा हमने ट्रिप मारा है और हम घूमे फिरे हैं। हमने पहले ट्राई किया, फर्स्ट टाइम है सबका कि गिरे मेरे ना, तो इस वजह से हम ट्राई कर रहे हैं डायरेक्टली चेयर लिफ्ट के थ्रू। हम ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि ऊपर से बहुत प्रोफेशनल और स्पीडी आ रहे हैं, सो हम गिर भी सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि क्या नाम है, हम पहले प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी और देन हम उसको यूज़। बाय द वे मेरे पीछे व्यू देखें हम, या ये आप व्यू देखें मेरे पीछे कितना हसीन है, या सो ब्यूटीफुल। आई वॉन्ट टू गो देयर बट प्रोफेशनल नहीं हूँ ना, मुझे कुछ आता है तो ऐसे ही गिर ना जाए, दैट्स वाई मैं ट्राई नहीं कर रहा कुछ बंड हो। बहुत ही ज़बरदस्त दिन गुजर रहा है हमारा और हम कंटिन्यूसली तफरियाँ करने जा रहे हैं और अभी हमारा प्लान बना है कि वहाँ से ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं अब इस पहाड़ के ऊपर हम जाएंगे, पहाड़ के ऊपर जाने के बाद वहाँ से स्किंग करके नीचे आएंगे। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ओह माय गॉड, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। सो मैं ट्राई कर रहा था कि स्कीइंग करते हुए वीडियो बनाऊं लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई एम न्यू, तो मोबाइल भी जाएगा हड्डियाँ भी टूटेंगी। सो ट्राई करते हैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस के बाद, क्या पता दिखा दें आपको कुछ। अभी मैं अकेला नीचे आया हूँ और मैं इतनी स्पीड में था कि मैं गिरा हूँ और इतना बुरी तरीके से गिरा हूँ, माय नी इज इंजर्ड और मुझे बहुत ऊपर जा। आप देख सकते हैं व्यू, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ये देखे मैं इधर इतना बुरा के गिरा। बहुत मुश्किल है यार ये आइस स्कीइंग, विदाउट ट्रेनिंग कोई नहीं कर सकता। मेरी इस वक्त हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, मेरा मैं अपना मोबाइल भी नहीं उठा सकता। सो मैं थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करता हूँ और फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ और फिर वहाँ से जाके लंच करके घर। मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त, अब बहुत थक गया हूँ मैं। फाइनली घुटने पे चोट लगवा के अब इनसे एम्बुलेंस मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जा रहे हैं। मेरा तो बहुत जोर में बहुत बहुत बुरी चोट लगी है, तकरीबन 80 या 100 की स्पीड में मैं पहाड़ से गिरा हूँ, तो बहुत बुरा हाल है। अभी क्या नाम है इसके अंदर हूँ मैं, gelmeyi kabul etme bin adayım. So I will not go to the hospital now. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Her side mi kalacağız? We can move to this side and we can change his shoes. आई कैन गो देयर। एक्चुअली हुआ ये कि मैं बहुत बुरा गिर गया और मेरा जो नी है वो बहुत बुरी तरीके से बैंड हो गया था। इन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, वो आए हैं, उन्होंने सिग्नेचर्स वगैरह करवाई हैं और क्या नाम है नेम वगैरह पासपोर्ट नंबर वो सारी डिटेल्स नहीं है। उन्होंने मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हर बंदे ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसके अलावा चेयर लिफ्ट के थ्रू मुझे लेके आए हैं नीचे, माउंटेन के बिल्कुल नीचे चला गया था मैं, गिर गया था तो वहाँ से मुझे उठा के चेयर लिफ्ट में बिठा के प्रॉपर लेके आए हैं। लाने के बाद मुझे कैफे में बिठाया, उसके बाद एम्बुलेंस आई है, इन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वॉक राइट नाउ, सो आई विल कंटिन्यू माई व्लॉग आफ्टर सम टाइम। बहुत सारी चोटें लगाने के बाद थोड़ी सी अक्कल आई है, बट यार ये लोग घूम रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अकेला बैठ नहीं सकता। आप व्यू देखें, सामने वाला पहाड़ देखें कितना सीन है, वो देखो वो लोग वो जा रहे हैं, ओह गॉड क्लाउड ऐसे लग रहे हैं सर पे। सो
सर इतना हसीन वेदर है, इतना सब कुछ है, लेकिन मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा है कि आई इवन कांट वॉक राइट नाउ. सो लेट मी ट्राई, देखते हैं क्या होता है. गिट्टे गोटे के निकलवाने के बाद सुकून नहीं मिल रहा, सो मैं इधर फिर आया हूँ इतना ऊंचा चढ़ के पहाड़ पे फिर स्कीइंग करने के लिए, क्योंकि आई वॉन्ट टू बिकम अ शाह सवार, क्योंकि गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में. I want to become like these guys. These are awesome. आप व्यू चेक करें, इतना हसीन इतना ब्यूटीफुल है. इनका फोटो शूट ही नहीं मुकर आप. मेरा ये वाला शूज़ फिक्स नहीं हो रहा वरना मैं निकल जाता अभी. बाकी वी आर ट्राइंग टू गो बैक, क्योंकि एम्बुलेंस मेरे पैर में दर्द हो रहा है. एम्बुलेंस वालों ने कहा था हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, बट मैंने उन्हें मना कर दिया. सो मुझे लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, कॉज पेन बहुत ज़्यादा हो गया है. सो यहाँ से नीचे उतरने के बाद इंशाल्लाह हम घर की तरफ जाएंगे और देन फिर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट वगैरह करवा लेंगे. फाइनली बरसा में बहुत इंजॉय करने के बाद यहाँ पे ट्रिप का एंड करने लगे हैं. अभी हम जाने लगे हैं गाड़ी की तरफ, क्योंकि 4:40 में निकलेगी, 4 घंटे हमें इस्तांबुल पहुँचने में लगेंगे. सो आप देख सकते हैं स्टिल इतने हसीन नज़ारे, लोग स्कीइंग करते हुए. मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, घुटना तोड़वाने के बाद ही की बट कर ली, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ का मौका बार बार नहीं मिलता है. क्या पता ये एक दफ़ा हो उसके बाद आने का मौका ही ना मिले. सो पेन बर्दाश्त करके आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई एम गोइंग कैंप की तरफ जा रहा हूँ. सो लड़की क्या होता है, बाकी ये है कि मैं अभी उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ. सो उसके बाद शायद, क्योंकि हमारा प्रीमियम पैकेज था तो उसके अंदर वो अवेलेबल था लंच वगैरह, तो अभी जाएंगे लंच करूँगा मैं. लंच करने के बाद ये जो इनका ड्रेसिंग वगैरह इन्होंने कपड़े अवेलेबल जो थे इनके पास जो इन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो इनको रिटर्न करने हैं. जो टेडी बियर बनाऊँ इससे जान छुड़ानी है. देन अपने शूज़ वूज़ पहन के बस में जाके लेट के सोना है मुझे, क्योंकि 4 घंटे मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा पेन. सो मिलते हैं गुड बाय सीन्स की तरफ. सो फाइनली क्या नाम है, हमने जितना इन्जॉय करना था कर लिया. बहुत 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस था हमारा ये, और उसके अलावा ये कि दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे और बहुत मज़ा आया. लेकिन ये था कि मुझे बहुत बुरी चोट लगी है. पहले एक घुटने में दर्द था, अब दोनों में दर्द हो रहा है. लेकिन ये है कि मैंने कपड़े चेंज कर लिए और शूज़ वगैरह चेंज कर लिए, सो आई एम रिलैक्स नाउ. जस्ट मुझे अपनी बस की तरफ जाना है और वहाँ से जाके फोन से क्या नाम है लंच करना है और उसके बाद सो जाना है और घर पहुँचना है. ये है बुरसा उलूदा. बुरसा एक जगह है, वहाँ की एक पॉइंट है उलूदा. यहाँ पे मतलब पूरा साल ही बर्फ़ रहती है और यहाँ पे आइस स्केटिंग, आइस स्कीइंग और एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ लाइक यू नो थिंग्स जो रिलेट करती हैं आइस से, वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है. चेयर लिफ्ट है. मेरे साथ ये हुआ था कि जब मुझे चोट लगी और मैं वहाँ पे गिर गया था, तो खैर वहाँ पे बंदा आया, उसको चेयर लिफ्ट के अंदर उसने मुझे बिठाया, मुझे फ्री के मुफ्त की राइड मिल गई. और वहाँ से घूमने के बाद क्या ना मैं ऊपर आया वहाँ पे कैफ़े में बिठाया उन्होंने, फिर एम्बुलेंस आई, डॉक्टर आए, चेकअप किया पूरा सारा उन्होंने. चेकअप वगैरह करने के बाद वो तो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, क्योंकि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. जो घुटने के ऊपर बाउल टाइप होता है ना वो निकल गया था, वो साइड पे हो गया था. अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन वॉक नाउ. उन्होंने इमीडिएट थेरेपी वगैरह दी मुझे और इनिशियल मेडिकेशन दी, तो ये था कि बहुत सुकून मिला. मैं चलता हूँ अभी इस व्लॉग को एंड करने की तरफ, और अगर खाने का सीन बन गया और मेरा मूड हो गया तो फिर थोड़ी सी क्लब उसको भी ऐड कर देंगे. मिलते हैं फिर. चल चल के मत मारी गई है हमारी, और मेरे दोनों घुटनों में इतना इतना शदीद दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ आपको. और अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं. बुरा आप देख सकते हैं वो लोग इतना आगे निकल गए और मैं इतना पीछे. ओहो बहुत 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 पेन हो रहा है मुझे. लेट्स सी क्या होता है. और खाना भी नहीं मिला यहाँ पे, खाना ये लोग बुरसा में जाके देंगे. सो आई शुड एंड दिस वीडियो दिस व्लॉग हियर. इंशाल्लाह विल मीट
in next vlog. Take care. Bye bye.